बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जी कश्मीरी चाय। इसको पिंक टी भी कहा जाता है। जैसा कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और शादियों का भी सीजन है, तो शादियों वाली कश्मीरी चाय अब आप क्यों ना बनाएं घर पर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। जो इसमें यूज होने वाले हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें या आप उसको डायरी पर नोट कर लिया करें, ताकि आप जब भी बनाने लगे तो आपको आसानी से बनानी आ जाए। सबसे पहले तो आपने ले लेनी है जी ग्रीन टी। और वैसे ये कश्मीरी चाय भी मिल जाती है, लेकिन ये आसानी नहीं मिलती, तो आपने इसमें ग्रीन टी यूज करनी है। और जिसमें यूज करना है दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग, और जिसमें यूज होंगे सौंफ का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, इलायची का पाउडर, चीनी, नमक, और जिसमें यूज होगा ड्राई नट्स, वो हम टेस्ट के लिए ऐड करते हैं। अगर आप इसको क्रीमी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर लीजिएगा, और इसमें मैंने ड्राई मिल्क भी ऐड किया था टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। अब हम ले लेंगे जी एक स्टॉक पॉट, एक पत्ता, इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 4 कप के बराबर। ये मैंने लैडर से ऐड किया है इसमें पानी। आप अपने कप के साथ भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और जी हम इसमें ऐड करेंगे बादियान के फूल। इसमें तकरीबन 2 से 3 बादियान के फूल डाल दीजिएगा, इससे बहुत मजे की अरोमा आती है और बेस है इसकी ये। और जी इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 अदद हम इसमें डाल देंगे लौंग। आपको और ज़रा तीखी बनानी है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। और हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ग्रीन टी, आपने इसमें मिक्स कर लेनी है। ये मैंने जो है लूज वाली ले ली थी, आपने भी लूज वाली ही लीजिएगा, खुली आपको मिल जाती है हर जगह से, अच्छी मार्केट से आप ग्रीन टी परचेज कर लेनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे देखने को आपको मिले, क्योंकि आपको न्यू डिशेज सीखने का मौका मिलेगा। और जी हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी का पाउडर, ये तकरीबन 2 चुटकी के बराबर है। और इसमें डालेंगे ग्रीन कार्डिमम का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, मिक्स कर लेना है और फ्लेम को ऑन कर, ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। इसको आपने तकरीबन 1 घंटा पकाने के बाद अच्छी तरह से फेंटना है। साल्ट ऐड करना है आपने इसमें 1/2 टीस्पून, और ये है जी स्वीट सोडा, आप इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आपने ये तकरीबन 1/2 टीस्पून ऐड करना है, इससे इसका कलर चेंज हो जाता है। जब ये पक कर थोड़ी सी तैयार हो जाए, इसमें उबाल आ जाए, तब आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। नेक्स्ट इसका स्टेप जो है वो आपने आइस ले लेनी है, बर्फ, और तकरीबन 2 गिलास ठंडा यख पानी आपने बर्फ के क्यूब में ऐड करने के बाद आपने इस जो है कश्मीरी चाय में ये पानी ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से आपने फेंटना है। नेक्स्ट स्टेप इसका है जी, हमने इसको दूध को तैयार कर लेना है। सबसे पहले 1 kg मैंने ले लिया है मिल्क। इसमें आपने शुगर मैंने 1 कप ऐड की है, आपको जितनी पसंद हो आप इसमें शुगर ऐड करके आपने दूध को बॉयल कर लेना है और अच्छी तरह से इसको बीट करना है। जितना आप इसको बीट करेंगे इसमें फ्रॉथ बनेगी और इसका फ्लेवर मजे का आएगा। ये देखें जी कश्मीरी चाय जो है वो पक कर उसका कलर चेंज हो चुका है, ये प्लम कलर हो गया है। और जो है आप इसमें अगर कलर देना चाहें तो थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा। और जी इसको आपने कर लेना है स्ट्रेन। ये अब हमने स्ट्रेन कर लिया है इसको, जो हमने कश्मीरी चाय बनाई थी, और यहाँ से हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जितना एज रिक्वायर होगा हमने इसमें वो जो कश्मीरी चाय बनाई हुई थी वो ऐड करके इसको पकाएंगे।
अच्छा जी, आपने जो है 2 कप मिल्क में 1 कप जो कश्मीरी चाय बनाई हुई थी वो इसमें ऐड करनी है। मैंने जो है सारे दूध में ऐड कर दी थी क्योंकि गेस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने सारे कश्मीरी चाय इसमें डाल दी, तो आपने ऐसा नहीं करना। और जी मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई नट ये टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, और कश्मीरी चाय में डाले जाते हैं ज़रूर, आप इसमें जो आपको ड्राई नट पसंद हो ड्राई वाले तो आप इसमें ऐड करके इसको कुक कर लीजिएगा। ले जी हमारी कश्मीरी चाय पिंक टी तैयार हो चुकी है। जैसा कि शाम हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो फिर क्यों ना बना ली जाए कश्मीरी चाय। जो जल्दी से बनाइए कश्मीरी चाय और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई और आपने आपका टेस्ट कैसा लगा। तो आप ज़रूर अपनी जो है खानों को, अपनी टी को गार्निश ज़रूर किया करें, जैसा कि मैंने इसको गार्निश किए, बड़े खूबसूरत कप में इसको डेकोरेट किया है। तो आप भी अपने दिल के साथ खाना बनाया करें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू उम्मीद के साथ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।